News 18, India. लेकिन इन प्रदर्शनकारियों की तरफ से कुछ लोग जो उग्र होते हुए उपद्रव की मंशा से आगे बढ़ते हुए ये भी कैमरा में कैद हैं, लेकिन ड्रोन की तरफ से वहां भारी बौछार, वर्षा टियर गैस की। तो तस्वीरें इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं, शंभू बॉर्डर से ये तस्वीर, जहां एक घंटे के भीतर तीसरी बार इस तरह का हंगामा हुआ। पुलिस और आंदोलनकारी किसान एक दूसरे के आमने सामने और बार बार वहां हंगामा, जिसकी वजह से आंसू गैस के गोले पुलिस की ओर से दागे जा रहे हैं और इस बार ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। तो दिल्ली कूच के लिए किसान निकले हैं, लेकिन शंभू बॉर्डर से आगे ये बढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि पिछले एक दो घंटे से हम देख रहे हैं शंभू बॉर्डर पर टकराव की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। कई लेयर में यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है, जिससे लाभ पाना इन किसानों के लिए इस वक्त मुश्किल होता जा रहा है। और जैसे ही बैरिकेड्स हटाने की वो कोशिश करते हैं, पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। लगातार तस्वीरें आप देखिए, एक एक करके आंसू गैस के गोले इन किसानों के ऊपर दागे जा रहे हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए पंजाब के शंभू बॉर्डर से, जहां पर स्थिति जो है वो फिलहाल अनियंत्रित होती हुई नजर आ रही है। किसान वहां पर पहुंचे हुए हैं, एक तरफ किसान तो दूसरी तरफ तमाम पुलिस के जवान। और देखिए तीसरी बार ये बताया जा रहा है, दो तस्वीरें अब आपके सामने हैं, शंभू बॉर्डर पर तीसरी बार ये हंगामा होता हुआ, ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया पर, अब लगातार प्रदर्शनकारी ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से आगे बढ़ सके, लेकिन पुलिस ने पूरी तरीके से मोर्चा समारोह डट कर मुकाबला कर रखी है। आंसू गैस अब तक तीन बार जो है आंसू गैस के गोले दागे जा चुके हैं। हालांकि जरूरत आगे क्या कुछ पड़ती है, क्या कोई बड़ा एक्शन लिया जाता है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन लगातार लाउड स्पीकर से इस बात की घोषणा की जा रखी है कि आप जो है पीछे हट जाइए, क्योंकि जैसे जैसे ये होता है कि किसान आगे बढ़ते हैं, एक बार आंसू गैस का गोला दागा जाता है और भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश। लेकिन देखिए किस तरीके से बड़े बड़े ट्रैक्टर्स के साथ जो है किसान वहां पर पहुंच चुके हैं। अब ये कोशिश की किस तरीके से ये आगे बढ़ सके, क्योंकि मात्र 500 मीटर जो है बचा हुआ है, जहां पर टोल की दूरी और उसके बाद हरियाणा के बॉर्डर की शुरुआत हो जाएगी। ये शंभू बॉर्डर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि 2020 की वो तस्वीर याद कीजिए, जब आखिर किस तरीके से प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी। सबसे लंबा जो है धरना किसानों की तरफ से दिया गया था और उसकी वजह से दिल्ली एनसीआर के लोग किस तरीके से परेशान हुए। तो शंभू बॉर्डर से इस वक्त हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, बार बार वहां पुलिस और किसानों के बीच टकराव की स्थिति हो रही है और पुलिस की तरफ से अपील यही की जा रही है कि हट जाइए। लेकिन किसानों की तादाद आप देखिए, बड़ी तादाद में किसान यहां बॉर्डर के पास मौजूद हैं और हरियाणा के अंदर वो दाखिल होना चाहते हैं, क्योंकि अगर दिल्ली उन्हें पहुंचना है तो यहाँ पंजाब से हरियाणा के अंदर दाखिल होने के लिए इस शंभू बॉर्डर को क्रॉस करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन न किसान पीछे हट रहे हैं न पुलिस पीछे हट रही है, दोनों ही तरफ से तैयारी इस बार डबल की गई है। आप देखिए किसान जब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, उन पर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं, कुछ मीटर वो पीछे हटते जरूर है, लेकिन फिर 5 मिनट के बाद यहाँ वो इकट्ठा हो जाते हैं। और यहाँ किसान नेताओं की मौजूदगी है, जो इन तमाम किसानों को एकजुट कर रहे हैं। तो तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, कोशिश इनकी यही है कि हरियाणा के अंदर दाखिल हुआ जाए, लेकिन कई लेयर्स की यहाँ सिक्योरिटी है, जिसे भेद पाना किसानों के लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बार बार उन पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं और किसानों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने डटकर मोर्चा संभाला हुआ है। पिछली बार जो कुछ हुआ था उसी से सीख लेते हुए इस बार सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है और आंसू गैस के गोले दागने के लिए न सिर्फ आमने सामने से ये गोले दागे जा रहे हैं, बल्कि ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। कुछ लोग जो सड़क से नीचे उतर कर खेतों की तरफ गए हैं, वहां जब भीड़ इकट्ठा हो रही है तो वहां पर भी ड्रोन की मदद से आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। भीड़ को काबू करने की कोशिश लगातार पुलिस की तरफ से की जा रही है और कोशिश यही है कि शंभू बॉर्डर से आगे ये किसान ना बढ़ पाए और दिल्ली के अंदर दाखिल ना होने पाए। बीते एक घंटे से टकराव की स्थिति वहां पर बनती हुई नजर आ रही है। शंभू बॉर्डर को पार करना इन किसानों के लिए जरूरी है अगर वो दिल्ली में दाखिल होना चाहते हैं, लेकिन इससे दिल्ली की जनता की परेशानी भी बढ़ती है। किसानों की मांग भले जायज हो, पुलिस अपनी जगह सही हो, लेकिन अगर ये दाखिल होते हैं अंदर तो इससे आम लोगों को परेशानी होती है और अभी भी दो चार हो रहे हैं इस परेशानी से, क्योंकि कई जगहों पर जाम की स्थिति बनती हुई भी दिख रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर न्यूज 18 इंडिया पर आप देखिए, जमकर हंगामा हो रहा है और इस बार किसान पूरी तैयारी के साथ आए हैं, अपने साथ
सूखा राशन वो लेकर आए हैं, अपने साथ लकड़ी लेकर आए हैं, ये कहते हुए कि हम 6 महीने की तैयारी के साथ आए हैं। और अगर ये दिल्ली के अंदर दाखिल होते हैं, दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर भी अगर आप याद कीजिए किसान आंदोलन जो हुआ था, वैसी कोई तस्वीर अगर बनती हुई दिखती है तो इससे लोगों को कितनी परेशानी होगी, जैसा कि पिछली बार भी हुआ था। और यही वजह है कि इस बार सुरक्षा पुख्ता पहले से ही कर ली गई है कि किसी भी सूरत में ये किसान अंदर दाखिल ना हो। देखिए ट्रैक्टर्स और यहाँ बैरिकेड्स को हटाने की कोशिश, आप तस्वीरें देखिए, ये भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होती हुई और उनकी कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से ये जो टोल का गेट है आगे, जिसके आगे हरियाणा शुरू होता है, उसे क्रॉस कर लिया जाए। और लगातार प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जा रहा है, लेकिन पुलिस का एक्शन भी ताबड़तोड़ जारी है। किसानों को हटाने के लिए बार बार वहां पर आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं आंदोलनकारी किसानों को पीछे करने के लिए, पीछे हटाने के लिए। और कुछ हद तक पुलिस इसमें कामयाब होती हुई भी दिख रही है, क्योंकि जैसे ही आंसू गैस के गोले इन किसानों के ऊपर दागे जाते हैं, ये जो आंदोलनकारी किसान है ये तितर बितर हो जाते हैं वहां से। लेकिन फिर कुछ समय के बाद हम देख रहे हैं बार बार ये स्थिति हो रही है कि ये आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। ये तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रदर्शनकारी जो हैं आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, हर बार एक नई स्ट्रैटेजी के साथ जो है ये आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश ये करते हैं कि आगे बढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही पुलिस की तरफ से आंसू गैस का गोला दागा जाता है थोड़े से पीछे उठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ट्रैक्टर हो या जो भी वहां पर तमाम चीजें वो लेकर आए हैं उसके कोशिश करें, देखिए बड़ा पत्थर जो है वो आपको सामने नजर आ रहा होगा, इसके जरिए जाहिर सी बात है ये कोशिश की जाएगी कि आखिर किस तरीके से वो जो बैरिकेड बनाया गया सबसे पहले उसको तोड़ा जा सके। आप ये समझिए कि जब यहां से अगर ये क्रॉस कर जाते हैं, अगर यहां से क्रॉस कर जाएंगे तो सीधा हरियाणा में दाखिल हो जाएगा। हरियाणा में दाखिल होने के बाद बहुत आसानी से दिल्ली की तरफ कूच करना इनके लासानों का। 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर में देखिए, जब पहली बार आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल पुलिस की तरफ से किया गया था, क्योंकि साफ तौर पर जो है प्रशासन ने ये आदेश दिए थे कि हमारी जिम्मेदारी ये है कि कानून व्यवस्था हमें बनानी है। और सब ये जो बीच की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए जबरदस्त हंगामा जो है वो वहां पर जारी है, ये कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ से पुलिस कह ले तो पुलिस कितने मोर्चा संभाला हुआ है, पुलिस लगातार आंसू गैस के गोले दाग रही है, लाउड स्पीकर से घोषणा कर रही है कि आप थोड़ा सा पीछे हो जाइए, समझिए। लेकिन बावजूद इसके ये प्रदर्शनकारी समझने को तैयार नहीं है, लेकिन भागते दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। खेतों में भी पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, पथराव की स्थिति जो है वो भी वहां पर पैदा हुई, लेकिन हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से बस अब हम आगे बढ़ सके। हालांकि सुबह किसान नेता ने जो है साफ तौर पर कहा था कि हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी ऐसी कोई ऐसी स्थिति बने जिससे कि कानून व्यवस्था खराब हो, लेकिन बावजूद इसके कानून व्यवस्था खराब होती हुई साफ तौर पर जो है यहां पर नजर आ रहे। शंभू बॉर्डर पूरी तरह से सील कर दिया गया है, ये बड़ी जानकारी अभी की आपको दे दे। और दिल्ली से हरियाणा जाने वाले जो भी ट्रैफिक है उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, साथ ही हरियाणा से जो दिल्ली आ रही है गाड़ियां उन पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है, यानी कि कोई भी गाड़ी अब हरियाणा से दिल्ली या दिल्ली से हरियाणा अभी फिलहाल नहीं जा सकती है। किसानों को आगे बढ़ने से रोकने पर यह हंगामा लगातार जारी है, क्योंकि प्रशासन नहीं चाहता है कि जो स्थिति हम पहले राजधानी दिल्ली में देख चुके हैं, एक लंबा आंदोलन जो 1.5 साल तक चला था, जिस वक्त दिल्ली गुड़गांव नोएडा के लोगों को किस तरीके का परेशानी का सामना करना पड़ा था, वो तस्वीर एक बार फिर से देखने को मिले। और इसीलिए ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिस सब कुछ लोगों को हिरासत में लेती हुई यहां पर नजर आ रही है। कोशिश ये है कि जो लोगों की तरफ से लगातार उपद्रव किया जा रहा है, जो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, उन्हें अब हिरासत में लिया जाए। और हिरासत की प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। हालांकि इससे पहले हमने देखा था कि कई और जगह भी थी जहां पर लोगों को हिरासत में लिया जा रहा था, लेकिन ये वो लोग हैं जो लगातार लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था जो है वो किस तरीके से शंभू बॉर्डर की खराब हो सके, क्योंकि अगर स्थिति यहां से खराब हुई तो जाहिर सी बात है आंच जो है वो दिल्ली तक पहुंचेगी, और अगर दिल्ली तक आंच पहुंची तो ऐसे में समझिए कि दिल्ली की कानून व्यवस्था कितनी ज्यादा खराब हो सकती है। और अब ये तस्वीर आपके सामने, 5 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ड्रोन से किसानों पर आंसू गैस के गोले जो हैं दागे जा रहे हैं। बड़ी जानकारी, शंभू बॉर्डर पर 2 घंटे में 3री बार बवाल हुआ है।